एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश तो एक है और हमारा विभाग भी एक ही है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में आज से स्कूल खुलने का जो समय है वो अलग अलग है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ ज़िलों में जो आदेश आए हैं कि कब किस समय स्कूल खुलेगा। वैसे दोस्तों, जो कॉमन समय है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि टाइम एंड मोशन के तहत विद्यालय का जो समय है 8 से लेकर के 2 बजे तक है, लेकिन कुछ ज़िलों में विशेष आदेश आए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, एक आदेश आप ये देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, और इस आदेश में लिखा गया है कि शासनादेश संख्या ये शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 2 अप्रैल 2021 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में COVID-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों में दिनांक 11/4/2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद रखते हुए जनपद में के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्यरत समस्त अध्यापक शिक्षणेतर कर्मचारी प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक अपने अपने विद्यालयों में उपस्थित रहकर विभागीय या प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करेंगे। बस इतना ही आपको दिखाना है दोस्तों, यहाँ पर समय है 10 बजे से सायं 4 बजे तक। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव के चलते विद्यालयों को जो है जहाँ पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जहाँ पर जैसा चुनाव है उसके अनुसार जो है ये आदेश है कि विद्यालय को इतने बजे से इतने बजे तक जो है खोलना है। आइए हम आपको दूसरा आदेश दिखाते हैं। दूसरा आदेश है दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली। तो ये रायबरेली से आदेश आया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ भी अध्यापकों की उपस्थिति के लिए कहा गया है और यहाँ पर कहा जो है समय जो निर्धारित किया गया है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्यरत शिक्षकों को निर्देश प्रदान करें कि वह विद्यालय में दिनांक 5 अप्रैल 2021 से प्रातः 9 से 3 बजे तक उपस्थित होकर निर्वाचन, जल जीवन मिशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों को समय से पूर्ण करें। साथ ही प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक को यह भी निर्देश दें कि विद्यालय की चाबी अपने यहाँ के उसी गांव के रसोईया शिक्षक को दे दें ताकि जब सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट विद्यालय के निरीक्षण पर आएँ तो विद्यालय शाम को 6 बजे तक खुलवाया जा सके। तो ये भी दोस्तों जो है चुनाव के तहत ही समय को 9 से 3 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। एक और आदेश आपको दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक और आदेश है, यह आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर का। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन 2020-21 संबंधी प्रक्रिया गतमान है, जिसके अंतर्गत निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा निरंतर विद्यालयों में भ्रमण किया जा रहा है। कतिपय विद्यालय अधिकारियों की भ्रमण के समय बंद पाए गए, जिसमें निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण समयबद्ध कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रातः 8 बजे से सायं 3 बजे तक खुले रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर समय है 8 बजे से 3 बजे तक। आदि आपको 3 आदेश दिखाया, 3 जनपद में, एक में 10 से 4 और एक में जो है आपने देखा 9 से 3 और एक में 8 से 3। तो ये जो है अलग अलग जनपदों में जो अलग अलग समय का जो आदेश आया है वो पंचायत निर्वाचन के कारण है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपके ज़िले में कोई स्पेशल आदेश नहीं आया है तो आप टाइम एंड मोशन के तहत जो समय सारणी आपको प्रदान की गई है उसको फॉलो कीजिए, अर्थात विद्यालय 8 से 2 तक है, उसके बाद आप विद्यालय पहले पहुंचना और जितनी देर में छोड़ने के लिए कहा गया है उतनी देर में आप विद्यालय को छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।